कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? आई एम गुड। हेलो हेलो सर, थोड़ा यहाँ रुके रहो। सर दर्शन सर, ये कैमरा सर लेफ्ट सामने बोलता है। घर से लेफ्ट लेफ्ट दर्शन सर लेफ्ट थैंक यू। ये मोबाइल पिछले वो जो सच है वो सामने रखे जो हमने फिल्म में दिखाया वो सिर्फ 10% तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैम बता रही है, शेयर कर रही है, ऐसे हम बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का शेयर किया, लेकिन ये सच्चाई सामने लानी बहुत जरूरी थी सबके साथ। एंड टुडेस जनरेशन शुड नो अबाउट दिस। यंगस्टर्स डोंट नो। और जो कुछ भी आप लोगों ने सुना मेरे मुंह से, उसका मैंने सब रिसर्च किया एक एक चीज का। जैसे मैंने बोला, मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को, तो मैंने जितने भी वाक पब्लिक डोमेन में थे वो सारे सुने। जैसे मैंने देखा राजा नृत्य के शौर्य और पराक्रम को, तो उनके बारे में जो जो पब्लिक डोमेन में मैंने पढ़ा, ताकि जब मैं कन्विंस्ड होऊंगा तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकूं। तो मैंने हम लोगों ने यही कोशिश की है पूरी टीम ने कि सिर्फ इस हर कैरेक्टर को जिए, एक्टिंग ना करें। तो आप लोगों को इसलिए शायद हमने दिल से अपनी मेहनत की और कोशिश की, आप लोगों का दिलों को छू लिए, तो नथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच। आज के जनरेशन को ये सब बताना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आई डोंट नो, मैं हम लोग साथ में रहते थे, भी वो लोग इतने ये थे कि कभी उन्होंने ये सब डिटेल में नहीं बता सके। सर करेजियस की एक ही मतलब कि मोस्ट ऑफ मूवीज कैसे बनती है आजकल की, बस हिंदू एंड मुस्लिम के लिए, बट क्या आपने मतलब प्रॉपर दिखाया है पूरा। ये फिल्म ना किसी जाति के खिलाफ है ना किसी धर्म के खिलाफ है, आप लोगों ने देखी है, ये फिल्म तो सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, और जो अभी भी हमारे बीच में है। और वो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का घर जलता है जलने दो, लेकिन नहीं। अब ये फिल्म थोड़ा ये चमत्कार कर रही है कि हम सब लोगों को यूनाइट कर रही है, सब लोगों को बोल रही है कि इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम टेररिज्म से लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे, वो हमें खा जाएगा। वो हमारे सामने आए, वही मैंने रिसर्च भी किया था सर, उसमें स्टडी किया था। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट था सामने लाना, कि कैसे एक तरह के नैरेटिव्स रखे जाते हैं स्टूडेंट्स के सामने और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे टीचर और प्रोफेसर यस, ये इसी तरीके से किया जाता है। और हमें करना चाहिए कि हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, कि ये फिल्म वही सिखाती है, कि ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म इसलिए बताती है कि आप किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले अपना दिमाग यूज़ करें, तभी आप राइट पाथ पर चल पाएंगे और हमारा देश ऊपर उठ पाएंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस
अभी हमारे डायरेक्टर साहब का प्लान है कि ये स्पेशली जो मेरी स्पीच है अभी आप लोगों ने 15 मिनट की देखी है, वैसे वो 25 मिनट की है और 10 मिनट की और एडिट की है टोटल है, उसको सेपरेटली रिलीज किया जाएगा ताकि लोग इसके हमारे महान इतिहास के बारे में जान सकें, क्योंकि ये हमें कभी पढ़ाया नहीं है। तो ये सब सामने आना बहुत जरूरी था। और जो जो बोला गया पब्लिक डोमेन में, जैसे मैंने रिसर्च किया, आप लोग भी पढ़ सकते हैं और लोग वही कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद लोग बाहर जा रहे हैं और गूगल पे सब सर्च कर रहे हैं कि हमारा देश कितना महान देश है, जिसकी हम इतनी बोलते हैं ना घर की कि हम उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे। अब योगा को देख लीजिए आप, योगा पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है और हमें उसकी कदर नहीं है। अब उन्होंने नाम भी दिया आयुर्वेदा का, अगर आप देखें वो मेडिकल में क्या है, कट के बाद थोड़ा और भी दर्शन सर यहाँ पे, सर यहाँ पे ईशान सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू सर, थैंक यू। आशीष भाई सर, वन सेल्फी सर, एक एक मिनट मैम वेट करें, हां वन चलेगा सर, आशीष आशीष आई आई एक्सक्यूज मी साइड दर्शन जी आ जी सर, यहां पे थैंक यू सर, वन सेल्फी सर, थैंक यू सर, यस आई विल, थैंक यू सर, आप लोगों ने रिस्पांस किया, प्लीज प्लीज थैंक्स अ लॉट, आ जी पूछा जाना है पिछले ये पहली बात तो यकीन नहीं हो रहा है, खुद को पिंच करता हूँ दिन में 50 बार कि ये सच है, क्योंकि हर एक्टर का एक सपना होता है कि पहले तो ये हो कि लोगों को फिल्म पसंद आए, उसके बाद ये होता है कि कैरेक्टर पसंद आए, फिल्म को बहुत पसंद ही आ रही है क्योंकि इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लिया है और इसको प्रमोट भी वैसे करें, उसे मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है। एक कमाल का नैरेटिव सामने आया है कि अभी जो मुझे गूज बम्स देता है कि कृष्णा पंडित कृष्णा हैं कलयुग के, और वो कौरवों की बात भी सुन रहे हैं और पांडवों की बात भी सुन रहे हैं, और सच्चाई क्लाइमेक्स में लाकर लोगों के सामने रख देते हैं। और आपको पता है अर्जुन कौन है इसमें, आप सब ऑडियंस, तो ये इस तरह का प्यार मिलना कभी सोचा नहीं था सपने में। और मेरे साथ अक्सर ये होता था कि बहुत सारे ए लिस्ट डायरेक्टर्स मुझे अपनी फिल्म में एज ए लीड कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ बॉक्स ऑफिस नंबर भी मिले। सो अभी क्या बोलूँ कि हर एक्टर का सपना होता है कि वो 100 करोड़ में एंटर कर जाए, मैं तो एज ए लीड 200 करोड़ के क्लब में एंटर कर गया हूँ। सो या सो फीलिंग ब्लेस्ड, जहाँ फेम होती है वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे ये विवेक अग्निहोत्री को फिल्म डाल देनी चाहिए, टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हैं, इसमें आपका क्या कुछ बोलना होगा? राजनीति मुझे समझ में नहीं आती एक्चुअली, मैं तो सिर्फ इमोशंस के साथ मैंने होता हूँ, और यही मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि मैं अच्छी फिल्में करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, और सारे जवाब ऑडियंस खुद ही दे रही है। सो क्योंकि ये जब हम फिल्म भी शूट कर रहे थे तब यही था कि ये फिल्म हम बस दिल से बनाएंगे और ये ऑडियंस निर्धारित करेगी कि ये इस फिल्म का क्या होगा फ्यूचर, और वही हुआ, ऑडियंस ने अपनी फिल्म बना लिया है और जो आंसर्स देने हैं जिसको वो खुद दे रहे हैं। बहुत सारे
का ये भी कहना है कि क्या ये प्रॉफिट आधा शेयर किया जाएगा कश्मीरी पंडित के जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं उनको शेयर किया जाएगा, जिस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा जा रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे क्या उसमें? इसका राइट जवाब आई थिंक विवेक जी और जी स्टूडियो दे सकते हैं। मैं तो एक्टर हूँ, सो मेरा काम था अपनी शिद्दत से दिल से फिल्म को करना, और जो लड़ाई 32 सालों से कश्मीरी हिंदू लड़ रहे थे, जो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे लोग, जो अपना दर्द बताना चाह रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, और उसमें मैं छोटा सा एक माध्यम बना कि मैं उनकी आवाज़ सब तक पहुंचा पाया, और आज उनके संघर्ष में हर इंसान खड़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज फिल्म रिलीज हुई है RRR, उसकी भी अच्छी रिव्यू आ रही है, और जिस तरह से वो भी मतलब ऑडियंस से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि फिल्म धीमी पड़ जाएगी RRR के आने से? नहीं, हमारा इतिहास अगर आप देखें तो गदर और लगान दोनों सुपर डुपर हिट हुई थी, तो मैं दुआ करता हूँ कि RRR भी अच्छी चले, क्योंकि जब इंडस्ट्री में फिल्में चलती हैं तो सबका भला होता है, ऑडियंस का भी होता है क्योंकि ऑडियंस को और अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं, और इंडस्ट्री का भी भला होता है क्योंकि इंडस्ट्री के पास एक सपोर्ट मिल जाता है पैसों का, वो अच्छी फिल्में बना पाते हैं। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और क्योंकि जिन्होंने कश्मीर फाइल्स देख ली है वो RRR देखेंगे, और जिनको देखनी है वो ये भी देखेंगे और RRR भी देखेंगे, तो खुशी है कि सिनेमा में लोग वापस आ रहे हैं, और कश्मीर का द कश्मीर फाइल्स का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ले रहे Thank you so much. Hey Sanjay.